जनपद फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव के तहत जो हमारी आचार संहिता लगी हुई है, उस आचार संहिता के लगने के बाद से अलग अलग हेड्स में फिरोजाबाद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि कानून का राज्य स्थापित हो और चुनाव जो है वो सुरक्षित संपन्न किए जा सके। इसी क्रम में जो हमारे यहाँ शराब की अवैध शराब के खिलाफ में जो कार्रवाई हुई है, उसमें 250 मुकदमे अभी तक पंजीकृत किए गए हैं। इसमें 250 अभियुक्तों को और 6000 के ऊपर जो लीटर शराब है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा अवैध शस्त्र में 4 शस्त्र फैक्ट्रियाँ अभी तक जो है उसका भंडाफोड़ किया गया है, जिसके अंदर में जो 769 तमंचे और 104 जिंदा कारतूस जो है बरामद किए गए हैं और उसमें 62 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। मादक पदार्थ की जो तस्करी है उसके ऊपर में हम लोग खासतौर से ANDF के साथ में और जनपद पुलिस स्तर पर भी काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी तक जो 949 किलो गांजा जो है वो अभी तक हमने बरामद किया है। उसमें 16 अभियुक्तों को जो हमने अभी तक गिरफ्तार किया है, 6 लोग पंजीकृत किए हैं और इसमें 2 ट्रक और 2 चारपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव की कार्रवाई है, 151, 107, 116 की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसमें जो भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं या अशांति फैलाते हैं उनके ऊपर पहले से बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जाती है, तो इसमें भी अभी तक जो है 20,000 के आसपास जो व्यक्ति हैं उनकी 107-116 करवाई जा चुकी है और उसमें लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके ऊपर में प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। पुरस्कार घोषित अपराधियों में 7 पुरस्कार घोषित अपराधी अभी तक पकड़े गए हैं और 1 न्यायालय में सरेंडर किया है। और इसके अलावा जो 101 गुंडा जो हम अभी तक कार्रवाई 101 गुंडा तत्वों पर कार्रवाई कर चुके हैं और गैंगस्टर एक्ट में भी 23 अपराधी हैं उनके ऊपर में गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं और 70 जो हैं अपराधी उनके ऊपर में गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई।